हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स प्रोफेसर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का सेकंड एक्सरसाइज 13.2। भाई इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए थे, पूरी एक एक्सरसाइज खत्म की थी। ठीक है, मैंने वो वीडियो को लेक्चर अपलोड कर रखा है, जाके देख लेना। 13.1 का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत सारी चीजें मैंने समझा रखी है। ठीक है, उसके बाद भाई आज जो हम स्टार्ट कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन रूल है। आज के टाइम पे जो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन रूल है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, और थोड़ा सा जो आपको थोड़ा लगता है, हो सकता है कि भूले भटके हो मेरे ख्याल से, लेकिन याद आ जाएगा जो 11th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वेन डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, यानी कि 11th का हल्का सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा, इस एक्सरसाइज के अंदर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन रूल। तो सबसे पहले बच्चों, मल्टीप्लिकेशन रूल समझाने से पहले मैं आपको कुछ इवेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं कि वेन डायग्राम में होता क्या है। सपोज मान लो हमारे पास ए और बी, ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ए और बी क्या है, यहाँ पे टू इवेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, कोई भी दो इवेंट्स है ए और बी। अभी फिलहाल मैं आपको सेट के बारे में हल्का सा जानकारी देना चाह रहा हूं वेन डायग्राम के थ्रू। तो मान लो मेरे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये जो हम स्क्वायर जैसा बनाते हैं, रेक्टेंगुलर जैसा टाइप का बनाते हैं, इसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, और बच्चों इस यूनिवर्सल सेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के बराबर होती है। तो हम इस यूनिवर्सल सेट को क्या बोल रहे हैं, सैंपल स्पेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हम इस यूनिवर्सल सेट को हमने सैंपल स्पेस बोल दिया। क्या हो गया भाई, ये सैंपल स्पेस हो गया, राइट। यहां पे मान लो इवेंट ए का ये पूरा रीजन है, ये इवेंट ए है, ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है ये इवेंट बी है, ये ए इवेंट है और ये बी इवेंट है। इसमें जो कॉमन रीजन आपको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अगर आप इसकी बात करो तो भाई इसको आप ये बोल सकते हो बी बी कॉम्प्लीट, सॉरी ओनली बी आप इसको बोल सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ओनली बी, ठीक है। और ओनली बी का मतलब भाई इसमें कई सारी बातें निकल के आती है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो जाता है भाई इसमें, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो गया। सेम यहाँ पे भाई ये वाला जो होता है ये ओनली ए होता है, और इसको आप लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। आप इसको यहां पे ये भी लिख सकते हो, अगर यहां पे आता है नॉट A, नॉट A का मतलब क्या भाई, A नहीं होना चाहिए, मतलब A बिल्कुल भी नहीं है, नॉट A का मतलब हो गया A कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट का मतलब आ जाएगा भाई यहां पे B B माइनस में A इंटरसेक्शन B, ओके ये हो जाएगा ना, बी माइनस में पूरे में से आप इसको माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये हो गया नॉट ए। और अगर आप लिखते हो नॉट बी करके तो ये होता है बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी ऐसी होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो कुछ इवेंट तो ये हो गए नॉट ए नॉट बी, ठीक है, और एक होता है ए और बी, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, और एक होता है भाई यहाँ पे क्या कहते हैं ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, एक होता है एटलीस्ट एटलीस्ट ए और बी, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से लिखोगे, यानी कि एन ए करके लिखते हैं भाई, ये सारा एन में आता है, ठीक है, एन हो गया, ये नंबर ऑफ करके लिखा जाता है, ये सब कुछ n में आ जाएगा, ठीक है, n n करके होता है, n करके होगा ये, ठीक है, n में आ जाएगा, ये n आ जाएगा सारा, सब में n आ जाएगा, ओके, सब में n आता है यहाँ पे, a कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया, इस तरीके से n n आ जाएगा, नंबर ऑफ निकालते हैं। तो फिलहाल मैं ज्यादा कंफ्यूजिंग ना करके n अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अभी n नहीं लिख रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा n क्यों यूज, कब यूज करना है, कैसे। अभी फिलहाल समझो कि हम सेट की बात कर रहे हैं, वेन डायग्राम, तो ये सारी बातें वेन डायग्राम के थ्रू पता चलती है। देखो नॉट ए का मतलब केवल ए, ए का मतलब क्या हो गया, जैसा ये वाला हिस्सा जो है ये क्या हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी का हो गया,
ओनली ए का मतलब हो गया भाई ये वाला हिस्सा, ओनली ओनली ए का मतलब ही हो गया, ठीक है। तो यानी कि नॉट नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें बी नहीं आना चाहिए। ओनली यहाँ पे जो नॉट ए होता है इसको हम ओनली ओनली बी बी बोल सकते हैं, इसको हम ओनली बी बोल सकते हैं, और इसको हम ओनली ए भी बोल सकते हैं, ओनली ए भी बोल सकते हैं। और बिल्कुल जी हाँ, ये जो है ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नॉट ए मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ओनली बी हो गया, नॉट बी का मतलब क्या हो गया, ओनली ए हो जाएगा। ऐसे ए और बी होता है, ए यूनियन बी, और आ जाए तो ए यूनियन बी, एंड आ जाए तो ए इंटरसेक्शन बी। एंड के केस में ए इंटरसेक्शन लगाना होता है, और के केस में ए यूनियन लगाना होता है। यूनियन का मतलब बोथ बोथ एलिमेंट, बोथ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों सेट के जो एलिमेंट है उनको जोड़ देंगे, टोटल, यानी टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट लिख दो यहाँ पे, टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी सेट में, तो भाई एटलीस्ट में यह आ जाता है। एक और इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहूंगा इसमें एक चीज और जो आ सकती है भाई, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, सिंपली यहाँ पे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस में बी हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, एक होता है यहाँ पे आइदर आइदर ए और बी, आइदर ए और बी का मतलब भी भाई ए यूनियन से रिलेटेड है, यानी ए यूनियन बी होता है, आइदर ए और बी, ये एटलीस्ट ए और बी का मतलब भी ए यूनियन बी हो गया, एटलीस्ट ए और बी का मतलब भी ए यूनियन बी होता है, आइदर ए और आइदर बी का मतलब, और बी इसका भी मतलब ए यूनियन बी होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो एक होता है इसमें भाई नाइदर, नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी वन, यानी वन माइनस में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आप कह सकते हो। अब देखिए, इन सब में आप एन लगा लो बेशक से, यहां पे अब जो फॉर्मूला बनता है, मैं इन सबको प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखने जा रहा हूं, ये सारा तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ा था, इन सबको मैं प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो मेरे को निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस पी ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब 1 माइनस पी ए हो गया, सिंपल सी बात है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर दो इवेंट है तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी करके अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस पी बी हो जाएगा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसी इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ए और बी का अगर आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए और बी यानी पी ए यूनियन बी होता है, और आपको पी ए यूनियन बी का मतलब पता ही होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन का हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन बी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आपको पता ही है। इसको हम जो ए और बी है ना, इसको हम लिखते हैं पी एटलीस्ट, पी एटलीस्ट ए और बी, कम से कम इनमें से एक, एटलीस्ट ए एंड बी, एटलीस्ट एटलीस्ट ए एंड बी लिख दो भाई, और नहीं ए लिखो, ए एंड बी, एटलीस्ट ए एंड बी हो जाएगा, इनमें से कोई एक तो होगा ही। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, पी ए यूनियन बी के बराबर ही होता है ये भी, ठीक है, एटलीस्ट का मतलब पी ए यूनियन बी के बराबर हो गया। और अच्छा, इसको है ना एटलीस्ट की जगह वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, वन ऑफ ए एंड बी करके पढ़ना इसको, एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसको एटलीस्ट वन, इसको एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी करके लिखना, ठीक है, ऐसे करके लिखना, ये सही रहेगा। तो यानी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये पी ए यूनियन बी होता है, ठीक है, और नॉर्मली आप इसको बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी भी लिख सकते हो। नाइदर नॉर का अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, पी नाइदर नाइदर ए नॉर बी, तब भाई आप इसको ऐसे लिखोगे पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी वन माइनस P
पी ए यूनियन बी। तो देखो ये सारे फॉर्मूले हैं जो मैं अब लिखवा रहा हूं आपको, ये आपका पिछला जो जो पहले आपने जो पढ़ा था यानी 11th क्लास में, उन सबसे रिलेटेड फॉर्मूले हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वेन डायग्राम्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई इन्हीं का यूज हमें इस एक्सरसाइज के अंदर करना है, ठीक है। ये तो हो गई कुछ नॉर्मल सी बात जो आप लोगों ने सेट में पढ़ा था, कुछ हल्का फुल्का सा। अब जो हम बात कर रहे हैं इवेंट्स की है, यानी कि म्यूचुअली इवेंट क्या होता है। देखो यहाँ पे हम दो तीन इवेंट देख रहे हैं वैसे तो, एक म्यूचुअली इवेंट, एक म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, और तीसरा इवेंट जो इसके अंदर है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। पूरा जो चैप्टर, पूरा जो एक्सरसाइज है वो इंडिपेंडेंट इवेंट पर ही बेस्ड है। लेकिन इससे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन रूल के बारे में समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन रूल होता क्या है। तो देखिए अब मेन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, मल्टीप्लीकेशन रूल ये क्या होता है। देखो लेट कर लो कि दो इवेंट हो रहे हैं एक के बाद एक, यानी दो इवेंट हो रहे हैं, सपोज दो या तीन इवेंट हो रहे हैं, टू इवेंट्स ए एंड बी, वन आफ्टर अदर या साइमल्टेनियसली भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वन आफ्टर अदर या साइमल्टेनियसली, मतलब पहले एक इवेंट हो रहा है फिर दूसरा हो रहा है, आप ऐसे ही समझ सकते हो, साइमल्टेनियसली एक साथ, इसका मतलब होता है एक साथ, ठीक है, एक साथ हो रहे हैं दोनों इवेंट। लेकिन जो इवेंट हो रहा है पहले एक इवेंट आ रहा है फिर दूसरा आ रहा है, यानी वन आफ्टर अदर आप कह सकते हो, वन आफ्टर अदर अगर कोई इवेंट हो रहा है। साइमल्टेनियस का मतलब भाई हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि भाई कि दोनों इवेंट एकदम साथ में हो जाए, एक इवेंट हो सकता है कि बहुत ही कम टाइम में पहला इवेंट हो गया फिर बहुत ही कम टाइम के अंदर दूसरा इवेंट आ गया, है ना। तो दो इवेंट हो सकता है कि एक के बाद एक ही होता है, साइमल्टेनियस बोल देते हैं, होता तो भाई पहला कोई ना कोई तो फर्स्ट हो गई इवेंट। तो यानी कि टू इवेंट्स ए एंड बी है, ठीक है, वन आफ्टर द अदर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल बता रहा हूं मैं फिलहाल अभी। तो यानी कि मान लो पहले आप, इसका मतलब क्या है भाई, पहले ए इवेंट हुआ फिर दूसरा बी इवेंट हुआ, पहले ए इवेंट होगा फिर दूसरा बी इवेंट होगा। आप एक काम करो इसको ई एफ से करके लेट कर लो, ई एंड एफ लेट कर लेते हैं। मान लो पहले ई इवेंट हो गया उसके बाद एफ इवेंट हो गया, पहले ई हुआ फिर एफ हुआ, आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हो, ठीक है। यानी कि एक तरह से पी ई एफ का मतलब क्या हो गया कि भाई पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, यही तो होता है। यानी पी जो ई बाई एफ है, पी ई बाई एफ, ठीक है। यानी हम बात कर रहे हैं कि भाई दो इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या भाई, पहले ई हो गया फिर एफ हो गया, राइट, यही तो हो गया। तो यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन रूल होता है वो यहीं से आता है भाई, इसको जो ई इंटरसेक्शन एफ है मैं इसको ई एफ लिख दूंगा और अपॉन में पी एफ। तो यहां पे अगर आप देखोगे जो पी ई एफ है, यानी ई इवेंट उसके बाद एफ इवेंट इक्वल टू पी पी एफ, यहाँ पे पी एफ हो जाएगा, तो पी एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो पी ई एफ है भाई, ये जो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन रूल बात कर रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ को आप पी ई एफ लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप क्रॉस इंटू कर दो तो ये आ जाएगा पी ई बाई एफ। इसी प्रकार अगर आप देखो, मान लो पी एफ ई निकाल रहे हो, पी एफ ई का मतलब क्या हो गया, यानी आप यही कह रहे हो कि भाई पी एफ बाई ई इवेंट है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी पी एफ इंटरसेक्शन ई और अपॉन में पी ई, यही होगा ना, इसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यही आ जाएगी। अब पी एफ ई क्या है, मतलब पी ई एफ ई तो हो गया एक तरह से देखा जाए तो भाई, एफ ई या ई एफ एक ही बात होता है, ठीक है, और अपॉन में पी ई। तो आप देखोगे जो पी ई एफ है वो हमारे पास क्या हो गया, पी ई इंटू में पी एफ बाई ई के बराबर हो जाएगा। देखो इन दोनों का रिजल्ट देखो, जो इन दोनों केस में जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, यानी इन दोनों इवेंट की इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है भाई, वो यहाँ पे पी एफ और उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर ही है। तो आप ये कह सकते हो कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी ये इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है और ये एफ की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे आप देखो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी और इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट ई। तो जो इस तरीके से हमारे पास रूल आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल बोलते हैं,
यानी कि एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही ये मल्टीप्लीकेशन रूल आया है भाई, यानी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है PEF होता है, आप इसको क्रॉस इनटू कर दो और यहीं से आपका मल्टीप्लीकेशन रूल आ जाएगा। तो भाई मल्टीप्लीकेशन रूल में यही है कि भाई दो इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं या तीन इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं, ठीक है, तब उस केस में आपको मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करना पड़ता है। जैसे मान लो एक कार्ड है, 52 कार्ड है, उसमें से आपने किंग निकाला, उसके बाद जैक निकाल दिया, ठीक है, वो भी स्पैड का। तो यानी आप देखोगे किंग निकाला फिर जैक निकाला स्पैड का, तो आप ये कह सकते हो भाई यहाँ पे दोनों इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं, तब इन दिस केस अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है इन दोनों इवेंट्स की, साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी होगी एक तरह से, भाई दोनों की प्रोबेबिलिटी बता दो क्या है, तो आप इस केस में मल्टीप्लीकेशन रूल को फॉलो करोगे। तो मैं इसको थोड़ा और आसान करता हूं जरा, ये तो मैंने समझा दी कैसे मल्टीप्लीकेशन रूल आ रहा है, लेकिन होता क्या है ये आप देख लो जरा। आपको जो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं बेसिकली वो ये है, पहला फॉर्मूला यानी कि मान लो ई और एफ, ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, ई और एफ क्या यहाँ पे टू इवेंट्स हैं, तब यहाँ पे जो पी ई एफ होगा, देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, ई एफ लिख दिया मैंने, यानी पी ई एफ का मतलब क्या हो गया भाई, ये याद रखना, पी ई एफ का मतलब हो गया ई इंटरसेक्शन एफ, ये इसका मतलब है, ध्यान रखना इस बात का, ई एफ का मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये क्या हो जाएगा PE इंटू में पी एफ बाई ई, या आप इसको ऐसे लिख दो पी एफ इंटू में पी ई बाई एफ, ऐसे करके लिखना है आपको, ये ध्यान रखना। देखो PE और पी एफ बाई ई, PE लिख गया एफ बाई ई, या पी एफ लिख रहे हो तो ई बाई एफ करोगे, याद रखो अगर आप ये लिख रहे हो तो एफ बाई ई, यानी तब एफ अपॉन ई लिखना पड़ेगा आपको, और अगर आप एफ लिख रहे हो तो ई बाई एफ करना पड़ेगा, रूल समझो कैसे ये। दूसरा है अगर मान लो ई एफ एंड जी आर थ्री इवेंट्स, आर थ्री इवेंट्स, अगर यहाँ पे तीन इवेंट्स हो हमारे पास, ई एफ जी आर थ्री इवेंट्स, तब क्या होगा, तब इस केस में इफ यू कैन सी कि मान लो मैं इसको ऐसे लिखूंगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, यही क्या हो जाएगा पी ई एफ जी हो जाएगा, यानी तीन इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं, ठीक है, यानी पहले ई हो गया फिर एफ हो गया फिर जी हो गया, तब इस केस में मल्टीप्लीकेशन रूल कैसे होगा, पहले PE लिखोगे, PE लिखोगे तो इनटू में F अपॉन E हो जाएगा, यानी PF अपॉन E, दूसरा इवेंट हो गया, पहला इवेंट ये, दूसरा इवेंट ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट G। अब देखो आप G को लिख रहे हो तो यहां से समझो, पहले E लिखा मैंने, लिखने का तरीका देखो, पहले PE लिख दिया मैंने, अब मैं PF लिख रहा हूं तो F अपॉन E हो जाएगा, F अपॉन E, इधर देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, और अगर मैं G के लिए लिखूंगा तो G अपॉन में ये पूरा इंटरसेक्शन, G अपॉन ये पूरा इंटरसेक्शन आ जाएगा, G अपॉन में E इंटरसेक्शन F, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका ये भी है कि पी ई इंटू पी एफ बाई ई इंटू में पी जी बाई ई एफ, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो ई एफ जी की फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है भाई, मल्टीप्लीकेशन रूल है। अगर तीन इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, दो इवेंट में आपको ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। हालांकि हम जनरली ये इस तरीके से लिखते नहीं, सीधे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या कहते हैं एक पासा फेंका, उसमें दो पासे फेंके मैंने, दो डाई रोल किए, और एक पासे पे भाई इवन नंबर आ रहा है और दूसरे पे ऑड नंबर आ रहा है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। इवन नंबर का मतलब 3/6 पहले पासे पे, और दूसरे पे ऑड नंबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6, तो 1/4 आंसर आ जाएगा। तो टोटल 6 हैं कि भाई पहला पासा इवन नंबर शो करेगा और दूसरा पासा ऑड नंबर शो करेगा, तो ये कुछ मिला के इस तरीके से इवेंट हो सकते हैं। चलिए अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट की। अब दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं, यही इस पूरे चैप्टर की खासियत है, इस पूरे चैप्टर आपको यही सब पढ़ना है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट का मतलब जो डिपेंड ही ना करे, मतलब भाई दो इवेंट हो रहे हैं और उन दोनों इवेंट में अगर मान लो कोई भी इवेंट होता है तो दूसरे इवेंट को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
ठीक है, जैसे एस निकाल दिया या फिर क्या कहते हैं एक किंग निकाल दिया, तो यानी टोटली डिफरेंट इवेंट है, तो एस को फर्क ही नहीं पड़ता है कि किंग आ चुका है तो मुझे आना है या नहीं आना है, ठीक है, मुझे किंग पे डिपेंड करना है या नहीं डिपेंड करना है, तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, वो अपना इंडिपेंडेंट होगा और किंग अपने आप हो चुका है, ठीक है ना। तो भाई दो इवेंट अलग अलग हैपन होते हैं, अकर होते हैं, ठीक है, यानी जिससे वो एक दूसरे पे इनका कोई असर नहीं होता है। अब देखो दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते कब है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इनका जो ई इंटरसेक्शन एफ होता है वो पी ई इंटू पी एफ के बराबर होगा, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तब यहां पे आप कह सकते हो कि इफ, यानी इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है ये क्या हो जाएगा, पी ई इंटू पी एफ के बराबर होगा। तो भाई इससे एक बात और निकल के सामने आती है कि जो पी ई बाई एफ है वो पी ई के बराबर होना चाहिए और पी एफ बाई ई जो है वो किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देखो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है कि भाई एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ इवेंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, ई इवेंट क्या है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है, इफ ई एंड आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तब इस केस में भाई जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। यहाँ पे एक बात और समझ लो, ये अगर पी ई क्या कहते हैं ई, अगर मान लो तीन इवेंट है मेरे पास ई एफ और जी करके, ई एफ जी आर थ्री इंडिपेंडेंट, आर थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इस केस में क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ये क्या हो जाएगा, इन तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स का हो गया, ओके। इसी प्रकार एक केस भाई ये याद रख लेना, पी ई एंड नॉट एफ, ठीक है, नॉट एफ इसका मतलब होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसको पढ़ा था, इसका मतलब नॉट एफ का मतलब कि पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ होता ही है ना। और अगर मान लो यहाँ पे ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ई इंटू एफ पी एफ हो जाएगा, तो यहां से पी ई कॉमन आ जाएगा, तो वन माइनस पी एफ हो जाएगा, और वन माइनस पी एफ का मतलब हो गया कि भाई ये क्या है, पी एफ कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मान लो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट तो इनके कॉम्प्लीमेंट का भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर पी और ई एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट के बराबर होंगे। ये भी एक क्वेश्चन है आपके इसमें जो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सरसाइज, ठीक है, ये इतना ही कॉन्सेप्ट था, इंडिपेंडेंट की कंडीशन एक है, इसको रट लो, बैठा लो दिमाग में। अच्छा एक चीज और बतानी भूल गया मैं, बस एक लास्ट चीज है, दैट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये क्या होता है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूड कर देना मतलब हटा देना, एलिमिनेट कर देना, यानी कि इसका मतलब है कि E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई का मतलब होता है नल सेट, क्या होता है नल सेट, वाइट सेट, यानी दिस जॉइंट सेट भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस जॉइंट सेट भी बोलते हैं, ये बात याद रखना, दिस जॉइंट सेट भी बोलते हैं। तो यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दो इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन जो है पाई के बराबर होगा। देखो इसमें और इसमें अंतर, इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, कभी भी इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक होता है, नो, इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है इस सेट की वो जीरो के बराबर होती है, यानी इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ई इंटू पी एफ के बराबर है और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की वो जीरो के बराबर होती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है
तो उनका जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो पीई और पीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाती है। जैसे इस मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है, ये सेट वाला रूल है, तो इन दोनों का यूज करना है, इन्हीं पे बेस सवाल है, ठीक है, और बहुत इजी से सवाल है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स डू इट द एक्सरसाइज 13.2। प्लीज कीप द एनसीईआरटी बुक विद यू एंड पेन कॉपी जरूर रखिए अपने पास और लिखना शुरू कीजिए। सारे फॉर्मूले नोट कर लो एक जगह, देन इनको अप्लाई करना शुरू कीजिए। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज का है, क्या इफ पी ए इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू 1/5, तो फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। भाई ए और बी आर इंडिपेंडेंट है तो बताइए कि पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमें पता है अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, उन दोनों इवेंट्स की मल्टीप्लीकेशन, जो प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उनके इंटरसेक्शन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। बट पी ए कितना है, 3/5 यहां रख दोगे और पी बी की जगह क्या रख दोगे, 1/5, तो भाई 3/15 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल बड़ा सिंपल था। पहला सवाल तो दो कार्ड यहाँ पे निकाले जाते हैं रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, कार्ड्स के बारे में अगर नहीं पता आप लोगों को तो मैं आपको कार्ड्स बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसे हम डेक बोलते हैं, यानी ताश की पत्ती, यानी डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। एक बार मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं हल्का सा। भाई 52 कार्ड होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड में यहाँ पे चार सूट्स होते हैं, सूट्स का मतलब क्लेन बोलते हैं इनको हम, ठीक है, चार क्लैन होते हैं यहाँ पे। क्लैश ऑफ क्लैन तो सब लोग खेलते आए होंगे, गेम ऑफ थ्रोन भी सब लोगों ने देखी ली होगी, है ना, जीओटी वगैरह, ठीक है, या विकिंग्स भी देख ली होगी, वाइकिंग्स जो है, तो उसमें भी क्लैन होता है भाई, साम्राज्य जैसा आप बोल सकते हो। तो सूट्स का मतलब हो गया साम्राज्य, क्या हो गया, साम्राज्य, साम्राज्य, ठीक है, सूट्स का मतलब हो गया साम्राज्य यानी किंगडम हो गया। तो यहाँ पे चार किंगडम होते हैं, याद रखना यहाँ पे चार किंगडम होते हैं, ठीक है, साम्राज्य, चार किंगडम होते हैं। पहला किंगडम इसमें डायमंड का होता है, ठीक है, ये आप कह सकते हो। दूसरा किंगडम हार्ट का हो गया, ठीक है, तीसरा किंगडम इसमें क्या हो जाएगा, स्पेड का, और लास्ट वाला किंगडम होता है क्लब का, ठीक है, ये वो किंगडम है जहां पे राजा केवल क्या करता है, क्लब खोल रखा है इसने, डांस वांस सब होता है यहाँ पे, ठीक है। डायमंड में क्या मिलता है, डायमंड मिलेगा, ठीक है, जहां से गहने वगैरह बनाए जाते हैं, या आप कह सकते हो कि अंगूठी बनाई जाती है, रिंग वगैरह, नेकलेस बनाए जाते हैं, तो डायमंड को हिंदी में ईट बोलते हैं, डायमंड को हिंदी में ईट बोलते हैं, ईट का पत्ता सुना होगा आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे खेलते भी होंगे, ये पान का पत्ता हो गया, ठीक है। स्पैड का मतलब होता है हिंदी में हुकुम, स्पैड को हम क्या बोलते हैं, हुकुम, यहां से सारी हुकूमत चलती है, हुकुम का पत्ता, ठीक है। और क्लब का मतलब चिड़ी, चिड़ी यानी कि यहाँ पे चिड़ी डंडा कह सकते हो, चिड़ी बल्ला, ठीक है, या चिड़िया वगैरह, ये सब आप सोच सकते हो। तो यानी कि डायमंड का जो शेप होता है भाई, डायमंड का शेप यानी ईट, जैसे पत्थर का शेप होता है, ईट का शेप होता है, वैसे डायमंड का शेप होता है कुछ इस तरीके से। ये पूरा क्या होता है, रेड होता है, डायमंड रेड में होता है, ये याद रखना, ये पूरा रेड होता है। ये ईट हो गया डायमंड, डायमंड के बाद हार्ट आता है यानी दिल, बायोलॉजी वाला दिल नहीं बनाना है, मजनू वाला दिल बना देना, ठीक है, पूरा रेड होता है, ये कैसा होता है, पूरा पूरा ये रेड होता है भाई।
चलो ये पूरा रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हुकुम। हुकुम कुछ पत्ती की तरह इसका शेप होता है, और ये ब्लैक होता है। ठीक है, ये हुकुम का पत्ता हो गया। उसके बाद यहां पे आता है भाई चिड़ी का। चिड़ी का कुछ ऐसे बनता है, ओके। तो देखो यहां पे 52 कार्ड में भाई 13 13 पत्ते होते हैं सब में, यानी 13 लोग होते हैं जिसमें से 4 मुख्य लोग होते हैं, मंत्री संतरी पंतरी सब कह सकते हो, यानी कि सब में 13 13 पत्ते होते हैं। यहाँ पे 4 किंगडम आप कह सकते हो, डायमंड हार्ट हुकुम, डायमंड हार्ट हुकुम कह दो आप, ठीक है। और उसके बाद यानी स्पैड और क्लब, ये टोटल मिला के 13 13 पत्ते होते हैं। इनमें जो होता है एस, एस का मतलब होता है इक्का, यानी इसमें इक्का का मतलब ए। यहाँ पे टोटल जो 4 एस होते हैं, यानी इसमें एक एस, इसमें एक एस, इसमें एक एस, इसमें एक एस, तो सब में एक एक एस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी 4 एस हो गया, सब में एक एक एस पाया जाएगा, तो टोटल एस हो जाता है वो 4 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है भाई फेस कार्ड। अब फेस कार्ड जिनमें चेहरा बना होता है, फेस कार्ड का मतलब जिनमें चेहरा बना होता है, उसमें आता है किंग आता है, क्वीन आता है, और उसके बाद आता है जैक। जैक स्पैरो की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। किंग को के से डिनोट करते हैं, क्वीन को क्यू से, और जैक को जे से। अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि जे का मतलब जोकर होता है, ठीक है, हाँ, जोकर नहीं होता है भैया, जोकर का कोई रोल नहीं है, मुजरा मुजरा करने आता है, मदिरा पान पिलाने आ जाता है साम्राज्य में, बस इतना काम है उसका। जोकर हर जगह चला जाता है, हंसी मजाक करता है, एंटरटेनमेंट करता है, खेल 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 खिलाफ दिखाता है, इतना करता है जोकर। जोकर का काम कोई नहीं होता है, 2 जोकर होते हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करते, दे आर द पार्ट ऑफ द क्लेन। जोकर का मतलब ही क्या हो गया भाई, बाहर किसी दूर विदेश से आया है एक इंसान, ठीक है, और कभी इस किंगडम में जा रहा है, कभी इस किंगडम में जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है, तो जोकर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जोकर का काम केवल हंसी दिलाना होता है, लोगों का एंटरटेनमेंट करना होता है, स्ट्रेस कम करना होता है, प्रेशर कम करना होता है, दिल के मरीज को थोड़ी सी जिंदगी देना होता है। चलो, तो यानी कि यहाँ पे टोटल मिला के 3 3 फेस कार्ड होते हैं सब में। यानी भाई देखो, 4 साम्राज्य है, अब हर साम्राज्य में एक राजा बैठा होगा, इसमें भी एक राजा, इसमें भी एक राजा, इसमें भी एक राजा, इसमें भी एक राजा, अब राजा बेगम के बिना थोड़ी रह पाएगा भाई, बेगम भी आएगी, तो बेगम को हमने क्या बोल दिया, क्वीन बोल दिया, और जैक हो गया गुलाम। अब भाई उनको सर्व मदिरा पान भी तो पिलाने वाला चाहिए ना भाई, कोई राजा अगर जोकर का डांस देख रहा है, जोकर अगर एंटरटेन कर रहा है, तो मदिरा पान कौन पिलाएगा, गुलाम ही तो पिलाएंगे, तो यानी इसे हम बोलते हैं गुलाम जैक। तो टोटल यहाँ पे 12 गुलाम होते हैं भाई, इसमें एक नहीं होता, और 11 12 13 भी नहीं होते हैं। तो होता क्या ऐसा है, बाकी जो कार्ड बचे 2 3 4 इसे बोलते हैं दुक्की तिग्गी चौगी पंजी छग्गा सत्ता अट्ठा और नहले पे दहला, ठीक है, सत्ते पे सत्ता नहले पे दहला, ठीक है। तो यानी कि ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक नहीं होता, एक की जगह यहाँ पे ए होता है, एस होता है, और उसके बाद यहाँ पे जो टोटल 3 3 फेस कार्ड होते हैं सब में, यानी 4 क्लेन आप कह सकते हो भाई, 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। ये पूरे पत्ते की कहानी है। अब आप इस पत्तों से समझ सकते हो क्या है, एक बार ड्रॉ कर लो अपने बुक के अंदर, कॉपी के अंदर, और देख लो, ठीक है, कि क्या कैसे इसमें। चलिए अब सवाल करते हैं भाई जरा, ठीक है, अब सवाल करते हैं। अब सवाल क्या है हमारे पास, इससे आपके अब सारे सवाल बन जाएंगे जितने भी पत्तों से संबंधित सवाल है, ठीक है, और एक सवाल आता है पत्ते से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पे बच्चों, 2 कार्ड यहाँ पे निकाले जा रहे हैं रेंडमली, 2 कार्ड रेंडमली निकाले जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो ये वर्ड है ना जो विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट, इसका मतलब समझ लेना, ये कई बार ऐसा अचंभे में डाल देते हैं विदाउट और विद वाला, तो भाई बच्चे क्वेश्चन गलती करके आ जाते समटाइम्स इससे रिलेटेड। हमारा क्वेश्चन तो बहुत सही चला गया है, पूरे नंबर आ जाएंगे,
बट उन्हें ये नहीं दिखता कि भाई विदाउट बोला है या विद बोला है। देखो जहां विदाउट आ जाए तो उसमें वापिस चीजें नहीं रखी जा रही है, बॉल निकाला साइड में रख दी, वापिस थैले में बॉल नहीं डाला, पत्ता निकाला भाई अपने पास रख लिया, मुझे पत्ता नहीं देना है। तो विदाउट रिप्लेस का मतलब कि भाई पत्ते को या कोई भी जो ऑब्जेक्ट निकाला जा रहा है, पत्ता निकाला जा रहा है, बॉल निकाली जा रही है, ठीक है, उसको उसके अंदर वापिस नहीं रखा जा रहा, उसको साइड में रख दिया भाई। अब नई चीज निकालेंगे, जो बके जो जितना निकाले उसको माइनस करके जितने बचे पत्ते उसमें से फिर दोबारा निकाला जा रहा है, जितने बॉल बचे उसमें से निकाला जा रहा है। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, विद रिप्लेसमेंट मतलब निकाला देखा वापिस रख दिया, निकाला देखा वापिस रख दिया, निकाला देखा वापिस रख दिया, ये होता है विद रिप्लेसमेंट में। तो चलिए जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे दो कार्ड को रैंडमली यहाँ पे निकाला जाता है, देखा नहीं बस निकाल लिए दो कार्ड ऐसे पत्ते में से खींच के, ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, कि दोनों दोनों कार्ड्स का यहाँ पे ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए टोटल हो गए 52 कार्ड्स, है ना, 52 कार्ड्स टोटल हो गए, हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। दो बिल्कुल हम वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल है, वन आफ्टर द अदर यहाँ पे इवेंट हो रहा है, दो कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। मान लो पहला कार्ड ब्लैक है, पहला कार्ड क्या ब्लैक है, और दूसरा कार्ड भी क्या भाई ब्लैक ही है, है ना, दूसरा कार्ड भी क्या ब्लैक ही है, तो बी बी और बी बाई बी, बी का मतलब ब्लैक हो गया। तो भाई पहला कार्ड ब्लैक है, ब्लैक कितने होते हैं टोटल, टोटल ब्लैक कितने होते हैं, देखो दो स्पैड और क्लब दो थे, 13-13 टोटल ब्लैक 26 होते हैं, टोटल ब्लैक कितने हो गए यहाँ पे 26 हो गए। इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है भाई, तो ना स्पैड क्लब कुछ नहीं बोले उन्होंने, टोटल जो यहाँ पे स्पैड और क्लब के टोटल मिला के 26 कार्ड होते हैं, ठीक है, कितने में से 52 में से, ओके, यानी पहला कार्ड आ गया 26 में से भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट है भाई, निकाला कार्ड जेब में रख लिया, बचे कितने भाई एक कार्ड, तो ये आ गया, यानी एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब यहाँ पे 25 बचे और यहाँ पे 51 बचा, तो जो दूसरा कार्ड ब्लैक निकाला जा रहा है वो 25 में से निकाला जाएगा, तो ब्लैक कार्ड निकालने की टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी, संभावना है 25 हो गई, 25 और आउट ऑफ टोटल आउटकम कितने बचे 15 बचा, भाई पहला कार्ड निकाल लिया तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी 26/52, क्योंकि 26 ब्लैक कार्ड है, उन 26 में से कोई भी कार्ड आ सकता है, तो हमारे पास पॉसिबल जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 26 हो जाएगा आउट ऑफ 52। अब बचा यहाँ पे 25 कार्ड ब्लैक, तो 25 रहेगा ना, तो एक निकाल लिया तो 25 रह गया, और 25 51 में से आएगा भाई, इसको काट पीट लो आप, 26 × 52 होता है, कटेगा तो नहीं आप मेरे ख्याल से, तो 25/102। चलिए तीसरा सवाल करते हैं भाई, एक बॉक्स में ऑरेंजेस है, इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज, कितने 3 ऑरेंज सिलेक्ट किया जा रहा है, प्लीज रीड द क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.2 का है ये, ठीक है, इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस सही हैं, अच्छे हैं, गुड हैं, तो बॉक्स को अप्रूव किया जाता है बेचने के लिए। भाई 3 ऑरेंज निकाले, पहले देखा भाई एक ऑरेंज निकाला सही है साइड में रखा, दूसरा निकाला सही है साइड में निकाला, तीसरा रखा सही है साइड में रखा, तो भाई तीनों ऑरेंज अगर अच्छे हैं, ठीक है, तो बॉक्स को भेज दिया जाता है, जाओ भाई अब बॉक्स अप्रूव हो गया और इसको सेल कर सकते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और अगर मान लो एक भी अगर उसमें ऑरेंज खराब है तो बॉक्स को रिजेक्ट कर देंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉक्स है उसमें 15 ऑरेंज है जिसमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब है, ठीक है, तो बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, यानी कि यहां पे टोटल जो ऑरेंज है भाई, टोटल ऑरेंज जो बैक के सॉरी जो उस बॉक्स के अंदर है 15 है, गुड ऑरेंज यहाँ पे जो गुड ऑरेंज है वो हमारे पास 12 दे रखे हैं, और बैड ऑरेंज हमारे पास कितना है वो 3 दे रखा है। अब बोला है कि भाई अगर तीनों ऑरेंज अच्छे हैं, ठीक है, तीनों ऑरेंज गुड है, यानी गुड गुड और गुड ऐसे हो गया ना भाई, तीनों ऑरेंज अगर गुड है, गुड 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 गुड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनको सेल के लिए भेज दिया जाएगा भाई, मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो करेंगे इसमें भी हम, ठीक है, बी जी बी जी 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 बाई जी बी जी इंटरसेक्शन जी सॉरी बी जी अपॉन में जी इंटरसेक्शन जी, ऐसे तो होगा है ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा भाई, बॉक्स इज अप्रूव, आप इसको बी जी बाई जी जी भी लिख सकते हो, ऐसे कर लो,
तो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेलिंग। तो यानी भाई पीजी का मतलब एक ऑरेंज निकाला, वो ऑरेंज क्या अच्छा है। अब 12 अच्छे ऑरेंज है, इन 12 में से कोई भी एक ऑरेंज आ सकता है, तो भाई 12 ऑरेंज की जो प्रोबेबिलिटी है 12 बट्टे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब भाई एक ऑरेंज निकाल लिया, अच्छा है साइड में रख दिया, कितने ऑरेंज बचे अब यहाँ पे, 11 बचे ना, और यहाँ पे टोटल कितने बचे, 14 बचे। भाई 11 ऑरेंज यहाँ पे अच्छे रह गए और 14 ऑरेंज यहाँ पे अच्छे रह गए, तो भाई क्या आ जाएगा, 11 बट्टे 14। अब यहाँ पे 10 ऑरेंज बचेंगे, अब 10 में से कोई एक अच्छा आ सकता है, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 बट्टे 13। तो देखो 12 में से 12 11 10, पहले एक ऑरेंज निकाला भाई, 12 अच्छे ऑरेंज आ गए, ठीक है, 12 में से एक अच्छा ऑरेंज आ गया, साइड में रखा, 11 ऑरेंज बचे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11 बट्टे 14, क्योंकि एक ऑरेंज तो निकल गया यहाँ से, तो 15 में से एक घट गया तो 14 ही बचा, 14 बचा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 11 में से एक ऑरेंज और निकल गया, तो अब 10 ऑरेंज बचा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 10/13, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑरेंज ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो वन आफ्टर द अदर एक एक करके ऑरेंज कम हो जाएंगे, जिसमें से टोटल की जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी और अच्छे ऑरेंजेस की संख्या भी कम होती जाएगी, और उनके अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई जो कट रहा है काट दो, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 5 2s are 10, 2 7s are 14, है ना, कुछ और तो कटेगा नहीं, 11 4 44 और बट्टे में 91, 13 7 91, 44 upon 91। आगे बढ़ते हैं, अच्छा इसमें ना 25 होगा भाई, 5 5 25 होगा, ठीक है ध्यान रखना, 3/25 आएगा, 15 लिख दिया था मैंने, 3/25। कैलकुलेशन देख लेना, कई बार कैलकुलेशन हो जाती है मिस्टेक, ठीक है, इतनी मैथ्स मुझे भी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4, एक फेयर कॉइन है और एक अनबायस्ड डाई है, ठीक है, अनबायस्ड का मतलब जिसके साथ कोई बायसिंग ना की हो, बायसिंग का तो जानते ना भाई, भेदभाव, पार्शियलिटी, ठीक है, भेदभाव यानी पार्शियलिटी। एक ठीक ठाक कॉइन है, अच्छा सा कॉइन है, फेयर कॉइन है, कहीं पे भारी नहीं है, कहीं पे हल्का नहीं है, ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल परफेक्ट कॉइन है, जहां पे जितना हेड है उतना ही टेल है, ठीक है, यानी जितना परसेंटेज हेड आने की है उतनी परसेंटेज टेल आने की भी है, दोनों इक्वली 50-50% के साथ फॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फेयर डाई है, अनबाइज्ड है, इनको टॉस किया जाता है, ए इज द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी इज द इवेंट 3 ऑन द डाई। तो भाई एक फेयर और अनबाइज्ड डाई को अगर हम रोल करते हैं, तो पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस देख लो क्या होगा, एक डाई को और एक फेयर कॉइन को टॉस किया जा रहा है, जब हम कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हेड और टेल आ सकता है, भाई कॉइन को एक बार टॉस किया तो हेड और टेल आ सकता है। अब इसके साथ हमने डाई को भी रोल कर दिया, एक ही बार रोल कर रहे हैं डाई को, जब डाई को एक बार रोल करें तो हेड के साथ एक आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, है ना, ऐसे टेल के साथ 1 2 3 4 5 और 6, ये सब हमारे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है। सवाल क्या है यहाँ पे बच्चों, लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन, ए बी द इवेंट द नंबर, सॉरी हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, चौथा पढ़ लिया मैंने, पांचवा, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन पे हेड अपीयर होगा, और बी इज द इवेंट 3 ऑन द डाई, तो भाई ए इज द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन, भाई कॉइन पे अगर हेड आ रहा है तो हेड की तो भाई 6 पॉसिबल आउटकम्स आप देख सकते हो, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे दूसरा जो है बी इज द इवेंट 3 ऑन द डाई, यानी 3 ऑन डाई, तो 3 ऑन डाई है तो मतलब इसकी तो एक ही इवेंट है, 3 ऑन डाई मतलब 2 इवेंट हो गया, H3 और T3। अब सवाल क्या है यहाँ पे भाई, पूछा गया है कि चेक ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। भाई इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, यानी टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा, ये हमारे पास कंडीशन है दो इवेंट इंडिपेंडेंट होने की, ठीक है। अब यहां पे जो पी ए है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, इसमें इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है भाई क्या दिख रहा है आपको, ए और बी में एच थ्री दिख रहा है ना, एच थ्री यहां पे कॉमन एलिमेंट है। चलिए पी
ए बाई सॉरी पी ए निकाल लो पहले, जो ए की प्रोबेबिलिटी है 6/12 हो जाएगा, यानी 1/4 सॉरी 12 हो जाएगा यानी 1/2, और पी बी की जो प्रोबेबिलिटी है इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा 2/12 यानी कि 6 यानी 1/6। तो भाई पी ए इंटू में पी बी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू में 1/6 यानी कि 1/12, और सिमिलरली पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/12, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये भी 1/12 आ जाएगा। भाई दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू में पी बी इक्वल टू 1/2, तो यस दे आर इंडिपेंडेंट। क्या आ जाएगा, यस दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन सेम सवाल भाई, इंडिपेंडेंट बताना है कि नहीं, ठीक है। अब थोड़ा पूछने पूछा कुछ और है, बोला कुछ और है, लेकिन सवाल सेम ही है लगभग। एक डाई में 1, 2, 3 मार्क कर रखा है रेड, तो रेड डाई पे भाई क्या है 1, 2 और 3 है, ठीक है। और जो यहाँ पे डाई है और जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो क्या है 4, 5, 6, मतलब एक डाई है हमारे पास, ठीक है, जो 1, 2, 3 डाई पे उसको रेड मार्क कर दिया और जो 4, 5, 6 उसको ग्रीन मार्क कर दिया, इसको हम बोलते हैं बायस्ड डाई, इसको हम बायस्ड बोलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे फेयर नहीं है, कहीं पे रेड है और कहीं पे ग्रीन है, दैट्स व्हाई इसको हम बायसिंग बोल देंगे, बायस डाई कर देंगे। उसके बाद इसको टॉस किया गया है, रोल किया गया है, ए इज द इवेंट द नंबर इज इवन, ए इज इवेंट नंबर इज इवन, ठीक है, इवन नंबर है यहाँ पे, इवन नंबर देखो आप कैसे आएगा, इवन नंबर में तो 2, 4 और 6 आएगा, ठीक है, यानी 2, 4, 6 आएगा। देखो आप इसको ऐसे लिखना, आप इसको ऐसे लिखना R1, R2, R3 ऐसे करके लिखना, और इसको आप लिखना G4, G5 और G6 ऐसे करके लिखना। टोटल इवेंट हमारे पास कितने हो गए, इनको जब रोल किया जाएगा तो टोटल इवेंट यहाँ पे सैंपल स्पेस कुछ ये हो जाएगा, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इवन है R2, G4 और G6 हो गया। अब B इज द इवेंट, ठीक है, द नंबर इज रेड, यानी बी इज द इवेंट नंबर इज रेड। अब भाई रेड के यहाँ पे क्या है हमारे पास भाई, R1 है, R2 है, R3 है, ऐसे होगा। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, R2 दिख रहा है, तो R2 कॉमन आ गया। तो हमें क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो पी ए क्या हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है भाई, 3 आउटकम है आउट ऑफ कितना 6 आउटकम, तो 3/6 यानी कि 1/2। जो पी बी हो जाएगा यहाँ पे, इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन यहाँ पे 3 आउटकम है आउट ऑफ व्हाट, 3 आउटकम है यहाँ पे भी, B is the event, ठीक है, out of six, तो इसका भी क्या आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो भाई पी ए इंटू जो पी बी होगा वो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा यहाँ पे, पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे तो ए की इवेंट आ रहा है कितने में से, 6 में से, तो 1/6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों बराबर तो नहीं आ रहा है ना, जब दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो पी ए इंटू में पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी Not equal to, ठीक है, तो इसका मतलब A and B are not independent, ये independent event नहीं है। इसी प्रकार भाई अगला सवाल भी है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सीधे इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, PE is equal to 3/5, PF equal to 3/10, और हमें क्या बताना है, PE intersection F equal to 1/5, क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, क्या E और F इंडिपेंडेंट है, सिंपल आपको सिर्फ सिर्फ इंटू करना है, PE इंटू में PF कर लो भाई, 3/5 इंटू में 3/10, तो कितना आ जाएगा 9/50, ये तो साफ साफ दिख रहा है नहीं है, ठीक है, 9/50 क्या है, 1/5 के बराबर तो ही नहीं सकता, विच इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, सो नॉट इंडिपेंडेंट, सो आर नॉट इंडिपेंडेंट। चलिए अब थोड़े सवाल जो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8,
9, 10, 11 ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100% आ सकता है, 100 नहीं कहूंगा 99% चांसेस है आने के, ठीक है। यहां से 99 चार एक्सरसाइज है बेस थ्योरम, इसके बाद उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, चारों में से एक एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, चाहे वो 1 मार्क्स में पूछ ले 2 क्वेश्चन, चाहे वो 2 नंबर में 3 नंबर में एक सवाल पूछ ले, या एक सवाल 4 नंबर में आ जाए। तो एक बात बता दूं, चारों में से एक एक सवाल आएगा, ये आप इसको रोक नहीं सकते कि मैं इस एक्सरसाइज को छोड़ दूं तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं आएगा इसमें से कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। एक बात और बता दूं, आप कहीं ये सोच रहे हो कि 1 नंबर से क्या होता है, तो भाई 1 नंबर से बहुत कुछ होता है। आप सोचो, अगर मान लो आपके एग्जाम में 38 क्वेश्चन है, ठीक है, और एक एक नंबर के 20 सवाल हैं, और बाकी सब में 2-2, 3-3 पार्ट दे रखे, जितने सवाल उतने पार्ट हैं, और सोचो आपने सब में एक एक नंबर कटवा दिया, सब में एक एक नंबर आपके कट गए, भाई 20 नंबर तो एमसीक्यू में चले गए, तुक्का मार के 4-5 ले लोगे अगर मार ले भी रहे हो तो, और सोचो बाकी आपने सारे सवाल ठीक किए, कितने बचे, मान लो 18 सवाल बचे और 18 के 18 आपने सही किए, लेकिन उसमें एक एक नंबर आपका फिर भी कट गया कुछ ना कुछ माइनर सी मिस्टेक की वजह से, तो 18 नंबर वो चले गए, 18 नंबर वो गए, और 20 नंबर लगभग ये चले गए, कितने हो गए भाई, 38 नंबर आपके ऐसे ही फिनिश हो गए, 38 क्वेश्चन 38 मार्क्स खत्म। और सोचो अगर आप 50 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो कितने मार्क्स बचेंगे, 12 नंबर केवल, है ना। तो भाई इसलिए 1-1 मार्क्स और आधा आधा नंबर भी बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इन छोटे छोटे मार्क्स को जोड़ जोड़ के आपके पूरे मार्क्स बनते हैं, तो ऐसी गलती मत करना भाई, ये मत सोचना, ऐसी विरोधाभास जैसी थिंकिंग मत रखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, सब कुछ पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, टाइम है, ये मत सोचो कि 50 दिन है, क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, आप क्या पढ़ेंगे, पूरे साल तो पढ़े नहीं, नहीं भाई, अभी तो पढ़ने का वक्त है, अभी तो पढ़ने का वक्त है, अभी तो जज्बा दिखाने का वक्त है भाई, अब नहीं तो कभी नहीं, ये समझ लो, करो मरो की स्थिति आ गई भाई। देखो सिपाही जो होते हैं ना, जंग पे जाते हैं, तो वो अपने आप को पूरे सालों भर तैयार करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कई बार क्या होता है, ट्रेनिंग 1 साल की हो गई, अब भाई युद्ध कल होने वाला था, युद्ध नहीं हुआ, युद्ध टल गया 5 साल के लिए, ठीक है, लेकिन वो सारे सैनिक घर चले गए, फिर 2 साल बाद आए, हल्की फुल्की ट्रेनिंग की, मोटे मोटे हो गए, कुछ अट्ठे कट्टे हो गए, ठीक है, ऐसे खा पी का आलसी हो गए, और अचानक से लड़ाई शुरू हो गई। तो उनके पास रोने धोने के लिए नहीं बैठे कि हमने भाई 5 साल पहले ट्रेनिंग ली थी, अब हम कैसे लड़ेंगे, अब हम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। जब जागो तभी सवेरा वाला है, जंग लड़ी तभी, जंग जब शुरू होगी तभी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा आप तैयार हो और आप तैयार रहते हो, ठीक है, ये आपका ब्रेन है जो ऑटोमेटिकली इन सारी सिचुएशन को हैंडल करना जानता है, बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो लगे रहो, बस करते रहो जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, अगर मान लो किसी ने शुरुआत भी नहीं की है, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करोगे तो वो जाके आगे यकी सारा पाइल अप हो जाएगा, ये सब जुड़ जाएगा, ठीक है, और जुड़ के एक बड़ा सा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हल्का हल्का एड ऑन करना सीखिए, यानी थोड़ा थोड़ा जोड़ना सीखिए, अपनी इंप्रूवमेंट थोड़ी थोड़ी करते रहिए, और फाइनल हो सकता है कि एग्जाम में क्या पता पूरे मार्क्स आ जाए, और डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट लगे रहो, तैयारी करते रहो, और जी तोड़ मेहनत करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग फटाफट। देखिए गिवन है इवेंट्स ए एंड बी सच डेट PA इक्वल टू हाफ, ठीक है, और पी ए यूनियन बी यहाँ पे कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है, और पी बी हमें दे रखा है भाई पी। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये सबसे इंपोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे 2 सवाल है, पी निकालना है हमें, क्या निकालना है, पी फाइंड करना है इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले केस में बोल रखा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब मैंने बताया था आपको, इस केस में जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है वो 0 के बराबर होता है। क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी वो 0 के बराबर होता है। देखिए अब यूनियन दे रखा है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन यानी ए यूनियन बी,
पी ए यूनियन बी का हमारे पास फॉर्मूला था पी ए इंटू पी बी माइनस पी ए ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ये तो जीरो हो गया और पी ए यूनियन बी क्या हमारे पास थ्री बाई फाइव है भाई, थ्री बाई फाइव हो जाएगा। पी ए हमारे पास कितना है प्लस, सॉरी ये प्लस आता है यहाँ पे, पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए हमारे पास कितना है हाफ है ए, और पी बी हमारे पास है कितना पी, ये तो हमें निकालना है ए, और इसकी वैल्यू भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है जीरो हो जाएगी, तो भाई जीरो हो गया। तो 3 बाई फाइव माइनस 1 बाई टू इक्वल टू पी हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो गया तो 10 एलसीएम आ गया, 6 माइनस में 5 इज इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू आ गई भाई 1 बाई 10। चेक कर लेना जरा सॉल्यूशन। दूसरे में बोल रखा है भाई ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्या बोल दिया इन्होंने इंडिपेंडेंट बोल दिया। अगर इंडिपेंडेंट है तो पी निकालो भाई, इंडिपेंडेंट है तो पी निकालो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है पी ए इंटू PB के बराबर होता है ना, PA into PB के बराबर होता है, और A intersection B क्या होता है PA plus PB minus PA union B equal to PA into में PB। क्या कर दिया सर ये आपने, देखो A intersection, ये हमारे पास independent event की condition है, independent event की condition है हमारे पास, ठीक है। और PA intersection B को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, चाहे A union B लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन भी लिखो, अगर यहाँ पे यूनियन लगाते हो तो यहाँ इंटरसेक्शन, और अगर यहाँ यूनियन लिखते हो तो यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो ये दोनों आपस में जगह बदल सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने ये वाला फॉर्मूला भाई यहाँ पे पुट कर दिया, इस फॉर्मूले को इधर लगा दिया, वैल्यूज पुट करनी है। पी ए हमारे पास कितना है 1 बाई 2 है, पी बी मेरे पास है पी, और पी ए यूनियन बी दैट इज 3 बाई 5 और इक्वल टू भाई पी ए अगेन हाफ और पी बी हमारे पास पी दे रखा। सॉल्व कर लो लाइक का, एक तरफ कर लो, इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 10 एलसीएम 5 माइनस में 6, 10 एलसीएम और 5 माइनस में 6 हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई 2 पी माइनस में पी, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल टू माइनस पी अपॉन में 2, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस पी अपॉन 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो पी की वैल्यू आ गई 1 बाई पी आ जाएगा 1 बाई 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसी प्रकार सवाल नंबर 8, कैदी नंबर 8। तो कैदी नंबर 8 को हम कैसे लिखेंगे, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पी ए इक्वल टू 0.3 है, यानी पी ए बराबर 0.3 है, और पी बी हमारे पास दे रखा है भाई 0.4। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, दूसरा सवाल पी ए यूनियन बी निकालना है, तीसरा सवाल पी ए बाई बी निकालना है, और लास्ट वाला सवाल भाई यहाँ पे पी बी बाई ए निकालना है। बड़ा अच्छा सवाल है, ये सब कुछ पूछ ले इन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने, इनकी ख्वाहिश है और तो और ही पूछ ले इसके अंदर। चलो कोई नहीं, देखिए ए और बी यहाँ पे इनडिपेंडेंट इवेंट है, कैसा इवेंट है इनडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पहला वाला सवाल क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी पी ए हमारे पास 0.3 है और पी बी हमारे पास 0.4 है, तो क्या आ गया 0.12। अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए हमारे पास कितना है 0.3, 0.4 हो जाएगा और ये 0.12 हो जाएगा भाई, कितना आ गया 0.7 माइनस 0.12। अब बच्चे इसको 0.5 लिख के आ जाते हैं, उन मूर्खों को ये नहीं पता कि भाई 0.7 जीरो लिख सकते हो, 70 में से 12 आ गया तो कितना बचा 0.058, ठीक है, ऐसे होगा ये, इसको साथ लिख के आ जाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर ही नहीं आ रहा, फिर रोते हैं वो बैठ के। तो पी ए इंटरसेक्शन बी भाई ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना है 0.12 है, और पी बी मेरे पास कितना है 0.4 है, इसको भी 4 तिया 12 लिख के आ जाता है, प्रोबेबिलिटी इनकी 3 आ गई, ऐसे लिखते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी 3 कभी हो ही नहीं सकती, बच्चे इसको 3 लिख के आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी सोचते हैं कि हमारा सही है भाई, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। सॉल्व करोगे 12 बट्टे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 4 तिया 12 4 दाएं 40 3 बट्टा 10 यानी कि 0.3 आ गया, ठीक है 0.3 आएगा इसका, इसका आंसर क्या आएगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में और पी ए हो जाएगा, पी बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वैसे तो आप देखो तो ए और बी इंडिपेंडेंट है,
तो पी ए बाई बी पी ए के बराबर हो जाएगा और पी बी बाई ए पी बी के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर वैसे 0.4 होना चाहिए, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा भाई, 0.12 और बट्टे में 0.3, तो कितना आ जाएगा, ये भी 0.4 आ जाएगा, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सबसे अच्छी बात, पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए और पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो पी ए बाई बी पी ए के बराबर होता है, यानी जो ऊपर वाला इवेंट है, और पी बी बाई ए क्या होता है, पी बी के बराबर होता है। वन मार्क के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लेना ये, ठीक है, ये मार्क कर लेना, वन नंबर के लिए ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए बाई बी क्या होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कई बार ये वन मार्क्स भी आ सकता है, एक नंबर में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी इक्वल टू 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8। आहा, सवाल क्या है भाई, पी नॉट ए और नॉट बी, सॉरी और नहीं है, एंड है ये, और एंड में अंतर है भाई, ठीक है ना, और एंड में अंतर है। देखो इसका मतलब है, आपसे पूछा गया पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन लगाना है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। अब भाई इसकी एक प्रॉपर्टी थी, इसको हम 1- पी ए ए यूनियन बी लिख देंगे, इसकी प्रॉपर्टी है भाई 1- पी ए यूनियन बी। सर कैसे बता दिया आपने प्रॉपर्टी, हमें समझ नहीं आया, जो वेन डायग्राम था ये, ठीक है, इसे हम डी मॉर्गन लॉ बोलते थे जहां तक मुझे याद है, ठीक है। ये मान लो ए हमारे पास और ये हमारे पास बी है, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया भाई, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया और बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, नॉट ए और नॉट बी। नॉट ए का मतलब भी क्या होता है भाई, कि भाई बी माइनस में आप कर रहे हो ए इंटरसेक्शन बी, नॉट बी का मतलब क्या हो गया भाई, ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो, यही तो हो गया। नॉट बी का मतलब आप ऐसे भी लिखते हो कि भाई नॉट बी का मतलब ए माइनस में बी, ठीक है, नॉट बी का मतलब बी माइनस में ए, आप ऐसे भी लिख देते हो कई बार इसको, ठीक है, बी में से ए को घटा दिया, आ गया एक ही बात है, बी को ए में ए घटा दिया वाला, पूरा बात एक ही है, ठीक है। तो समटाइम्स आप ऐसे भी इसको यूज कर लेते हो, तो कई सारे लिखने के तरीके होते हैं इसके। तो भाई ये जो पी ए यूनियन बी है, ठीक है, तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नॉट ए नॉट बी, ना तो ए ना तो बी, तो भाई कुछ आया ही नहीं इसमें, तो बचा क्या, 1- ए यूनियन बी, आप इस पूरे को घटा दोगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सीधे फॉर्मूला याद कर लो भाई, ये एक फॉर्मूला याद कर लेना अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए हमारे पास कितना है, 1/4, पी बी हमारे पास 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी 1/8। सॉल्व कर लो भाई, तो कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 × 8, 2 × 8 और 8 × 8 भाई 5/8 आ गया। तो हमारे पास पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1- पी ए यूनियन बी, यानी कि 5/8 भाई आ जाएगा 3/8 करके आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10, क्या दी नंबर 10, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी सॉरी हा इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल टू हाफ, पी ए इक्वल टू हाफ है और पी बी इक्वल टू यहां पे 7/12 है। तो हमें बताना है कि नॉट ए और नॉट बी, भाई और आ गया इसमें, ये ध्यान रखना, और में क्या आता है, यूनियन आ जाता है, पी नॉट ए नॉट बी दे रखा है, यानी पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/4, ना तो ए और ना ही बी, तो क्या आएगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1- पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका उल्टा होता है भाई यहां पे, 1- पी ए इंटरसेक्शन बी, हमें बताने कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है,
ठीक है। तो पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मुले को याद कर लेना। और ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं ये बताना है। तो भाई पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन माइनस वन बाई फोर यानी कि थ्री बाई फोर। अब आप यहाँ पे पी ए इंटू में पी बी निकाल लो, ये क्या आ जाएगा वन बाई टू इंटू में सेवन बाई ट्वेल्व, तो आ जाएगा सेवन बाई ट्वेंटी फोर। भाई दोनों बराबर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। सो ए एंड बी आर नॉट इनडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टेन। अब इलेवन करने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है इलेवन भाई, मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने पूछी लेकिन अलग अलग पूछ रखी है, पूरा सेट का सवाल बना रखा है इन्होंने, ठीक है। अब इनको यही नहीं पता कि बच्चे सेट वेट सब भूल के बैठे पड़े हैं, बट क्या करें, सवाल सवाल करना पड़ेगा, जवाब भी हमें देना पड़ेगा, है ना। तो गिवन है दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, गिवन है दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, सच डेट पी ए इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.6। प्लीज रीड द क्वेश्चन, एनसीईआरटी 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, कृपया करके क्वेश्चन रीड जरूर करें। तो पहला सवाल क्या है यहाँ पे, पी ए एंड बी निकालना है। भाई पी ए एंड बी का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये तो हो गया पी ए एंड बी का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी। और इन्होंने बोल दिया भाई साफ साफ ए और बी इंडिपेंडेंट है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब पी ए इंटू में पी बी हो जाएगा, तो भाई 0.3 इंटू में 0.6 हो जाएगा 0.18। दूसरा सवाल देखिए इसमें, पी ए नॉट पी ए एंड नॉट बी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा वेन डायग्राम बना देता हूं मैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है भाई। ए नॉट बी मतलब ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, ए नॉट बी का मतलब क्या हो गया, ओनली ये, यानी नॉट बी हो गया ना, ओनली ये वाला हो गया, ये वाला पोर्शन। तो इसका मतलब है भाई ए ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे होगा ओनली ए, पी ए एंड नॉट बी का मतलब भाई ओनली ए बोला इन्होंने, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और मैंने आपको सीधे सीधे इसका एक रिजल्ट लिखवाया था, अगर ऐसा कुछ हो तो आप सीधे पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट लिख देना, सीधा रिजल्ट मैंने ड्राइव करवाया, आखिरी वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था इंडिपेंडेंट इवेंट का, ठीक है आप सीधे इसको ऐसे लिख सकते हो। तो पी ए हमारे पास कितना है 0.3 है, और पी बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वन में से माइनस किया जाता है, जो पी बी कॉम्प्लीमेंट होगा भाई वन माइनस पी बी होता है, जब भी आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालो वन में से माइनस कर देना, वन माइनस 0.6 यानी कि 0.4, तो बस इसको 0.4 से इंटू कर दो तो क्या आएगा 0.12 आ जाएगा। ये भी निकाल लेना बच्चों, ओके ये भी निकाल लेना भाई। तीसरा सवाल है पी ए और बी, ए और बी का मतलब भाई पी ए यूनियन बी निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी होता है, ठीक है। सो ए पी ए हमारे पास क्या, हमारे पास पी ए तो 0.3 है, पी बी हमारे पास 0.6 है, और पी ए एंड बी ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन वाला 0.18, तो माइनस में 0.18, तो 0.9 माइनस 0.18, 9 में से 18 गया कितना बचा 8, 9 बचा है ना, यही तो गलती कर देते हैं भाई, 9 नहीं है ये, ठीक है तो 90 में से 18 घटाओगे तो 72 आ जाएगा, ओके। अब लास्ट वाला सवाल है भाई, लास्ट वाला सवाल जो है इसके अंदर, नाइदर ए नॉर बी, पी नाइदर ए और नॉर बी, इसका भी मैंने लिखवाया था पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा, और यूनियन हमने ऊपर ही निकाल रखा है 0.72 करके, 1 में से 0.72 घटाओगे तो 0.28 आ जाएगा, ठीक है। पी नाइदर ए नॉर बी का मतलब पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, 1 में से इसको घटा देना। तो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, सीरियसली बताऊं।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट में और आपको समझाना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और है, मल्टीप्लिकेशन में ही है ये। अगर मान लो तीन इवेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 में यूज होगा। अगर तीन इवेंट्स है मेरे पास, सपोज ए बी और सी, ये तीन इवेंट्स है मेरे पास, थ्री इवेंट्स है, ठीक है, और इसमें मेरे से पूछा जाए एटलीस्ट वंस या वन ऑफ देम, एटलीस्ट वंस या एटलीस्ट वन ऑफ देम, इनमें से कम एक बार तो कोई आएगा ही। एटलीस्ट का मतलब मोर देन इक्वल टू होता है, एक दो तीन, ठीक है, तीनों इवेंट है, इनमें से कोई इवेंट एक बार तो मिनिमम होगा, मैक्सिमम तीन बार हो सकता है। तब इस केस में जो आपने पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब ये हो गया ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब पी ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रखा है, तो आप इसको ऐसे लिखना, वन माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी कॉम्प्लीमेंट पी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और ए बी सी यहाँ पे तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो भाई इसी पे बेस्ड हमारा सवाल है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 12। एक डाई को तीन बार रोल कर रहे हैं, एक डाई को थ्री टाइम्स रोल कर रहे हैं। देखो, एक डाई को तीन बार रोल करो या तीन डाई को केवल एक बार रोल करो, इन दोनों का मतलब सेम होता है, वन डाई थ्री टाइम्स और थ्री डाई साइमल्टेनियसली और ओनली वन टाइम, तो दोनों का मीनिंग सेम है। एक डाई को तीन बार रोल कर दो या तीन डाई को एक साथ फेंक दो, इन दोनों का मतलब सेम होता है। अब यहाँ बोला क्या, बोला एक डाई को तीन बार रोल किया जा रहा है, फेंका जा रहा है पासे को, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो जो यहाँ पे नंबर आएगा वो एक ऑड नंबर होगा, वो एटलीस्ट वन वंस होगा, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस बोला इन्होंने, तो यानी सिंपल सी बात है, तो इसका जो हो जाएगा एटलीस्ट वंस के लिए आप निकालोगे एटलीस्ट वंस, लेट कर लो कि वन माइनस पी ऑल आर इवन नंबर, ऑल आर इवन नंबर, लेट कर लो कि एक भी ऑड नंबर नहीं है, सारे इवन नंबर है, एक भी ऑड नंबर नहीं है, सारे इवन नंबर है। अब देखो, जब पासे को हम फेंकते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा पी एटलीस्ट एटलीस्ट वंस, ठीक है, ऑड नंबर, यानी कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आएगा, तो हमने लेट कर लिया कि भाई एक बार भी ऑड नंबर नहीं आएगा, हमने क्या कह दिया कि एक बार भी ऑड नंबर नहीं आएगा, सारे नंबर इवन है, तो मान लो सारे नंबर इवन है तो वन में से जो इवन आ रहे हैं, जो तीनों पासे पे इवन नंबर आने चाहिए, भाई पहला पासा भी इवन शो करेगा, दूसरा भी इवन और तीसरा भी इवन नंबर शो करेगा, तब इसका आंसर हो जाएगा भाई, यानी मान लो पहला पासा रोल किया उसमें इवन नंबर आ गया, इवन नंबर कितने होते हैं, तीन होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक पासे को फेंकने पे 3/6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दूसरा पैसा फेंका उसमें भी इवन नंबर तीन होते हैं, यानी 2, 4, 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6 हो जाएगी। सेम तीसरा पैसा फेंक दिया और उसमें जो इवन नंबर आ रहे हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2, तो 1 माइनस 1/8, तो क्या आ जाएगा भाई, 7/8, ठीक है भाई। एक तरीका तो ये है, और अगर आपको दूसरा तरीका सोचना है तो मैं दूसरा तरीका बताता हूं, यानी प्रोबेबिलिटी ए बी सी, यानी तीनों के तीनों क्या ऑड नंबर है, ऑड ऑड ऑड, तब इस केस में आप क्या करोगे, पी एक ऑड आ जाएगा, एक ऑड है लेकिन दूसरा ऑड नहीं है, एटलीस्ट वंस बोला है ना उन्होंने, एटलीस्ट वंस है, तो मान लो पहले पासे पे ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6, तो दूसरे और तीसरे पासे पे ऑड आए चाहे इवन आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लो उस पे सारे नंबर आ गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6/6 × 6/6 ऐसे हो जाएगा। तो मान लो, तो बिल्कुल ऐसी है कि भाई एक पास का फेंक दिया, पहले पास पे ऑड आ गया, बाकी दोनों पे इवन और कुछ भी आ रहा है, इट डजंट मैटर। अब दूसरे पे देखो भाई, दूसरे पे क्या आ रहा है भाई, ऑड आ गया, और मतलब पहले पे ऑड, दूसरे पे ऑड, दोनों पे ऑड आ गया, दो नंबर ऑड आ रहे, पहले पास पे भी ऑड है और दूसरे पे भी ऑड है, लेकिन नेक्स्ट वाले पास पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो 6/6 हो जाएगा। ऐसे भाई लास्ट वाला केस, पहले पे ऑड, दूसरे पे ऑड और तीसरे पे भी ऑड आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1/2 + भाई एक एक हो जाएगा, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा,
इसमें भी क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/8, इनका एलसीएम 8 आ जाएगा, 2 4 8, 4 2 8, 8 1 8, यानी 1, तो भाई 7/8। एक तरीका आप ये भी यूज कर सकते हो, अल्टरनेट तरीका ये, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब जो अगला सवाल है 13 क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13 तो नहीं कह रहा मैं भी, फिलहाल 14 क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो 14 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, और अभी फिलहाल हम 13 करने जा रहे हैं। यहां पे क्या है, दो बॉल को रेंडमली निकाला जा रहा है विद रिप्लेसमेंट, याद रखना विद रिप्लेसमेंट, दो बॉल को, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकेंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक, अदर इज रेड। क्वेश्चन का मतलब समझो भाई, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाई एक बैग है और उसमें ब्लैक और रेड दो तरह की बॉल है, ठीक है। जो ब्लैक बॉल है 10 है और रेड बॉल कितनी है, 8 है। ब्लैक बॉल 10 है और रेड बॉल यहाँ पे 8 है, और दो बॉल निकाली जा रही है विद रिप्लेसमेंट, यानी टोटल कितनी होगी यहाँ पे, 18 हो गई। तो विद रिप्लेसमेंट बोला है, क्या बोला है, विद रिप्लेसमेंट बोला जा रहा है, यानी विद रिप्लेसमेंट बोला जा रहा है, विद रिप्लेसमेंट यानी दो बॉल निकाली जा रही है विद रिप्लेसमेंट, यानी बॉल को निकाला देखा और वापस बैग में रख दिया, बॉल निकाला देखा वापस बैग के अंदर रख दिया। तो ऐसे कुल मिला के टोटल 18 बॉल हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर, बोथ बॉल्स आर रेड, यानी दोनों बॉल क्या है यहाँ पे, रेड है, दोनों की दोनों बॉल क्या है यहाँ पे, रेड है, दोनों बॉल यहाँ पे रेड आ रही है। तो यानी कि भाई दोनों का मतलब क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा है, पी ए इंटरसेक्शन बी बोला जा रहा है कि बोथ बॉल्स आर रेड। तो देखिए अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब बोथ बॉल बोल दिया इन्होंने रेड है, तो भाई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज हो गया, आप डायरेक्ट इससे नहीं कर सकते इस सवाल को। तो आपको इसमें क्या करना है भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि भाई पी ए बी बोला गया है, मान लो पहली बॉल क्या है, रेड है, और दूसरी भी क्या है, रेड है, बोथ आर रेड है ना, तो पहली भी रेड है और दूसरी भी रेड है, बोथ आर रेड, पहली भी रेड और दूसरी भी रेड। भाई पहली अगर रेड है तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, 8/18, यही हो गया ना भाई, रेड बॉल देखा वापस बैक में डाल दिया, तो बॉल तो ना तो घटी हुई, ना घटी ना बड़ी, बॉल तो उतनी रही ना भाई, बॉल को एक बॉल निकाला वापस बैक में रख दिया तो बॉल तो उतनी रही, तो बॉल की संख्या तो चेंज नहीं होगी ना, बॉल तो उतनी की उतनी है। तो यानी कि भाई पहली बॉल निकाली रेड है तो रेड की प्रोबेबिलिटी 8/18, उसके बाद दूसरी बॉल निकाली वो भी रेड निकली, वो भी रेड निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 8/18। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 8/18 इंटू 8/18, सॉल्व कर लो, 2 9 18, 2 4 8, 2 4 8, 2 9 18, तो 16/81 हो जाएगा। दूसरा सवाल देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकेंड इज रेड, यानी कि पहली बॉल जो निकाली जा रही है ब्लैक है और दूसरी वाली रेड है, पहली ब्लैक है दूसरी रेड है, यानी पहली ब्लैक और दूसरी रेड हो गई भाई, पहली ब्लैक और दूसरी रेड है, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/18, ठीक है, और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/18, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट बोला जा रहा है, 2 5 10, 2 9 18, 2 4 10, 2 9 18, तो यानी 20/81 हो जाएगा। तीसरा जो सवाल है इसके अंदर भाई, पी वन ऑफ देम इज ब्लैक, इनमें से कोई एक ब्लैक है एंड दूसरी क्या है, रेड है। देखिए पहली बॉल निकाली मतलब इनमें से कोई एक ब्लैक है, इसका मतलब है पहली ब्लैक, पहली बॉल ब्लैक है तो दूसरी रेड हो जाएगी, हो सकता है कि दूसरी रेड और पहली ब्लैक हो जाए, ऐसे बोला रखा है, यानी इनमें से कोई एक बॉल रेड है या ब्लैक है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, इनमें से एक ब्लैक है और दूसरी रेड है, यानी भाई हो सकता है मैंने बॉल निकाला देखा ब्लैक है वापिस रख दिया, दूसरी निकाला रेड आ गया, तो एक तो ब्लैक होगी कि रेड होगी, तो ब्लैक तो आनी है और रेड भी आनी है, ठीक है। अब मैंने दोबारा निकाला भाई, अब हो सकता है मैंने पहले देखा ये भाई रेड आ गई वापिस रख दिया, मैंने दोबारा निकाला भाई ब्लैक आ गई, तो मतलब एक रेड और एक ब्लैक आ रही है, यानी वन ऑफ देम बोल दिया, तो भाई दोनों में से पहले कोई भी आ सकती है, तो पहले ब्लैक भी आ सकती है और पहले रेड भी आ सकती है, इन्होंने फर्स्ट सेकंड नहीं बोला है,
इसमें इन्होंने फर्स्ट सेकंड बोला था, इसमें फर्स्ट सेकंड इन्होंने नहीं बोला है। पहली ब्लैक निकाल ली भाई, दूसरी निकाल को रेड आ जाएगी, और अगर आप पहली रेड निकाल रहे हो तो दूसरी ब्लैक ही आएगी, तो भाई ये प्रॉबिलिटी है। तो यानी क्या आ जाएगा भाई, ब्लैक बॉल आने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर हम ब्लैक बॉल की देखें तो भाई ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/18, ठीक है, इनटू में रेड बॉल की 8/18, ठीक है। सेम ऐसे बच्चों इसमें करोगे, रेड बॉल के लिए 8/18 और ब्लैक बॉल के लिए 10/18, भाई दोनों को सॉल्व कर लो, 80-80, यानी कि 80-80 हो जाएगा ना एक तरह से, तो ये हो जाएगा, काट लो भाई, 2 5 10 दोनों में 18, 2 6 8 दोनों में 18, 2 4 8 2 9 18, 2 5 10 2 9 18, तो 5 4 20/81 20/81 दोनों को ऐड कर लो, 40/81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, ये आंसर है, और एक हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो भाई तीन आंसर आ रहे हैं, ये सवाल भी काफी बिंदास और अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड जो इसका दो इन सवालों में प्रॉब्लम बच्चों को कहां आती है, जो वर्ड इन्होंने पूछे जाते हैं ना, वन ऑफ देम, एट लीस्ट, ठीक है, मिनिमम, एट मोस्ट, इन सब में इतने कंफ्यूसियाए रहते हैं भाई, हो ही नहीं पाता इनसे, तो कंफ्यूसियाना नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट बी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, ठीक है, सिंपल करते जाओ बस, ठीक है, समझो क्या बोल रहा है, क्या सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, सर क्या पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट एंड ब्रिलियंट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, ये 99% वाला सवाल है भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 99% वाला सवाल, ठीक है, वाला सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना सवाल, प्रॉब्लम प्लीज रीड द क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2, और एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लिपसिंग करा करो, होठ फटफड़ाया करो, दिमाग में थोड़ी सी एको होगी तो समझ में आएगा भाई सवाल में क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इनडिपेंडेंटली by A and B is 1/2, 1/3 respectively. If both try to solve the question problem independently, याद रखना word बोल रखे हैं ना, independently, ठीक है, find the probability that the problem is solved. Find the probability that the problem is solved and exactly one of them solves the problem. उनमें से कोई एक problem solve करेगा। चलिए बड़ा अच्छा सा सवाल है, इंटरेस्टेड सवाल है भाई, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी दो लोग हैं यहां पे, ए और बी सवाल को सॉल्व करते हैं, जो ए सवाल को सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब यहां पर ए और बी क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या बोल दिया इन्होंने, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिंपली पी ए इंटू में पी बी हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू में 1/3, 1/6 हो जाएगा। चलो पहला सवाल भाई, प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसका सोल्यूशन आ गया भैया, ठीक है, क्या आ गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम पहला सवाल है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों ने प्रॉब्लम अलग अलग सॉल्व की, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई, यही तो इसका मतलब समझो पहले भाई, दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दोनों ने स्टार्ट किया भाई, अलग अलग सॉल्व किया उन्होंने और दोनों का आंसर आ गया। तो इसमें क्या क्या है सोचो जरा, इसमें यूनियन यूज करना है, इंटरसेक्शन यूज करना है, व्हाट यू हैव टू यूज एक्चुअली हियर, ये आपको यहां पे सोचना पड़ेगा। सोचो दोनों ने अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व की और प्रॉब्लम दोनों ने सॉल्व कर दी, इसका मतलब भाई पी ए प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व 1/2, पी बी द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व 1/2। फिर भाई बीच में एक चीज और लटक रही है, दोनों का आंसर भी तो सेम आएगा ना भाई, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक ही प्रॉब्लम दोनों कर रहे हैं, अंत में आंसर सेम आ रहा है, तो भाई इंटरसेक्शन भी कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है। तो भाई इन्होंने जो पूछा है ना, पी ए यूनियन बी पूछा है, यानी प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब दोनों ने मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है ना, दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सो पी ए प्लस पी बी, और नतीजा क्या है दोनों का, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये नतीजा भाई, क्योंकि दोनों में कॉमन दो बार आएगा ना भाई, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसलिए उसको माइनस किया जाता है।
PA हमारे पास क्या है, PA 1/2, PB 1/3 और A इंटरसेक्शन B 1/6। तो भाई ये तो आ गया 6 LCM, 2 तिया 6, 3 जमा में 3 दुनी 6, 2 जमा माइनस में 6 एकम 6 1, तो कितना आ गया 5 5 5 5, 4/6 यानी 2/3। बच्चे इसका आंसर ये लिख के आ जाते हैं और सोचते हैं हाँ बड़ा आंसर, बड़ा हमारा आंसर ठीक आ गया है। नहीं बेटा, इसका आंसर ये आएगा, ये क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है भाई। टेढ़ा सा सवाल था ये, थोड़ा सोचने वाला सवाल था। अगला सवाल जो है सेकंड, बच्चों सेकंड सवाल में क्या पूछा इसमें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब उनमें से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अब भाई कोई एक तो कोई भी हो सकता है भाई, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है भाई। दो लोग बैठे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ए ने भी स्टार्ट किया, बी ने भी स्टार्ट किया, ए ने अलग सॉल्व किया, बी ने अलग सॉल्व किया। अब इनमें से कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे, दोनों नहीं कर पा रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे, एक सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, यानी पी वन ऑफ देम बोला है इन्होंने, बिल्कुल वही वाला है जिससे हमने पहले वो बॉल एक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, बिल्कुल ऐसी है भाई। इनमें से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मान लो प्रॉब्लम ए ने सॉल्व कर दी बट बी से नहीं हुई, ठीक है, मान लो प्रॉब्लम ए से सॉल्व नहीं हुई लेकिन बी ने कर दी, यही तो होगा ना भाई। देखो अगर प्रॉब्लम ए सॉल्व कर रहे तो बी नहीं सॉल्व कर रहा, और अगर प्रॉब्लम ए सॉल्व नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम बी सॉल्व करेगा, है कि नहीं। यानी अगर ए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, ए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो बी नहीं कर पा रहा है, और अगर ए नहीं कर पा रहा है तो बी कर रहा है, यही तो हो गया इसका मतलब भाई। पी ए, पी ए इज 1/2 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, 1 में से पी ए माइनस कर देंगे, यही तो होता है ना, 1 माइनस पी ए तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। और ऐसे भाई पी बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो पी बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी वैसे तो, है ना। सारी वैल्यू पुट कर दो, पी ए का मतलब भाई 1/2, पी बी का मतलब 2/3, ठीक है ठीक है। पी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब भाई 1/2, पी बी का मतलब कितना हमारे पास 1/3, पुट कर दो यहाँ पे, तो 2/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1/2। तो दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल दिस क्वेश्चन, और दिस क्वेश्चन इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ट्रुथ और वाला सवाल है, ठीक है, एक किसी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है, क्वेश्चन करने की है, ऐसे एक सवाल है, नेक्स्ट बेस थ्योरम पे है वो, ठीक है, वो भी हम करेंगे, और रियली में वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सवाल ये है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी एक कार्ड निकाला जा रहा है, इन विच द फॉलोइंग केसेस आर इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। देखो भाई 52 पत्ते हैं 52 कार्ड से, इनमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कि कौन सा इवेंट इंडिपेंडेंट है, कौन सा इवेंट डिपेंडेंट है, मतलब कौन सा नहीं है, मतलब विच केसेस आर इंडिपेंडेंट। तो देखो पहले वाले केस में ई इज द इवेंट, ई इज द इवेंट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, द कार्ड इज स्पेड, ठीक है, और एफ इज द इवेंट, कार्ड एक एस है, ठीक है। दूसरे वाले सवाल में भाई ई इज द इवेंट, जो कार्ड है वो ब्लैक है, ठीक है, और यहाँ पे जो एफ इज द इवेंट, जो कार्ड है वो किंग है, ठीक है। तीसरा सवाल जो यहाँ पर है, जो कार्ड है यहाँ पे, जो कार्ड है वो एक किंग है और क्वीन है, और एफ इज द इवेंट, जो कार्ड है वो क्वीन और जैक है। चलिए ये सवाल है हमारे पास। अब देखिए इस सवाल में सबसे पहले तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, हमें ऐसे ऐसे करके ले दूंगा, ये स्पैड है हमारे पास, तो स्पैड के टोटल कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं ना, स्पैड के टोटल 13 कार्ड होते हैं, यानी टोटल जो स्पैड होते हैं भाई 13 होते हैं, और एस के 4 कार्ड होते हैं, है ना, लेकिन एक एस तो इसमें भी आएगा, एक एस तो इसमें भी आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखो जो पी ई है वो 13/52 हो जाएगा, और पी एफ क्या हो जाएगा 4/52। क्या आपका इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ इवेंट होगा ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में एस कॉमन है भाई, एक एस दोनों में आएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पी ई इंटरसेक्शन एफ होगा वो 1/52 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 13 चौके 52, और 4 से काटोगे 13 चौके 52,
तो आप जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे भाई, हमें तो इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो PE इंटू जो PF हो जाएगा 1 बाई 4 इंटू में 1 बाई 13 यानी कि 1 बाई 52 आ जाएगा, और जो कि इसके बराबर है। तो भाई यस, तो यानी कि ये दिस इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F। देखिए पूछे है क्या भाई, मैंने स्पैड के टोटल 13 कार्ड है, एस के टोटल 4 कार्ड है, ठीक है, इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है वो 1 आएगा, यानी एस दोनों में कॉमन है, स्पैड में भी एस आता है और एस में तो एस है, ठीक है, तो एक कार्ड इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 13/52 हो जाएगा 1/4, और जो एस एस की प्रोबेबिलिटी 4/52 यानी 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ई इंटरसेक्शन एफ इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 आ जाएगी। इन दोनों को आपने इंटू कर दिया, पीई इंटू पी एफ इज 1/4 इंटू 1/13 1/52 आ जाएगा, जो कि पीई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए इसमें जरा, दूसरे सवाल में क्या बोला है, ई इज द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, यानी ई यहाँ पे ब्लैक कार्ड है, ठीक है, और एफ यहाँ पे क्या है, किंग है। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं, और किंग कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, 4 में 2 किंग ब्लैक होते हैं, 4 में 2 किंग क्या है, ब्लैक है, 2 ब्लैक कार्ड है यहाँ पे, 2 ब्लैक किंग है भाई, है ना, टोटल 4 किंग है, 4 में से 2 किंग ब्लैक के होंगे, यानी स्पैड और क्लब के, और टोटल ब्लैक 26 कार्ड है, तो भाई 26 में 2 तो किंग हो गया, तो इन दोनों में किंग कॉमन आ गया, तो यानी ई इंटरसेक्शन एफ है वो किंग हो गया, ठीक है। तो भाई पहले पीई निकाल लो, पीई का मतलब 26/52 यानी कि 2 यानी 1/2, और पी एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/52 यानी कि 13 यानी कि 1/13, और पीई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा बच्चों, यानी 2/52 2/52 दूसरे कार्ड हो गया 26 यानी कि 1/26। तो आप देखोगे यहाँ पे जो पी जो यहाँ पे पी पीई इंटू जो पी एफ है वो क्या आ जाएगा, PE is 1/2, PF is 1/13, so 1/2 into में 1/13 यानी कि 1/26, और आप बखूबी देख सकते हो कि ये PE intersection F के ही बराबर है, तो इसका मतलब yes, तो यानी तो ये भी independent है, yes independent, ठीक है, और ये पहला वाला भी केस क्या है, yes independent, तो भाई पहला और दूसरा तो क्या आ गया, independent event हो गया। तीसरा पार्ट भी देख लो अब यहाँ पे लगे हाथों, ठीक है, तीसरे में क्या बोला इन्होंने, तीसरे में बोला है ई इज द इवेंट ऑफ किंग और क्वीन, यानी किंग और क्वीन होगा, एफ इज द इवेंट ऑफ क्वीन और जैक, क्वीन और जैक, तो किंग और क्वीन है मतलब टोटल मिला के किंग कितने हो गए 4, और टोटल क्वीन कितनी होगी 8 होगी, तो भाई टोटल तो ये 8 पत्ते हो गए, यानी पॉसिबल आउटकम, और यहाँ पे भी टोटल 8 हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों में आप देखोगे, इन दोनों में जो E इंटरसेक्शन F है वो क्वीन है, यानी क्वीन कितनी है 4 है, ठीक है, तो पहले PE निकाल लो, PE क्या आ जाएगा 8/52 यानी कि 2 × 8 और 13 तो 4/13, ठीक है, और सॉरी 4 × 8 और 13 पे जाएगा, तो यानी 2/13, और जो PF हो जाएगा यहाँ पे वो भी 8/52 यानी ये भी 2/13 आ जाएगा, और PE इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा बच्चों, यानी कि 4/52 यानी कि 1/13, सो पीई इंटू में पी एफ कर दो यहाँ पे, अगर आप इन दोनों को इंटू करते हो तो कितना आएगा 4/169 विच इज नॉट इक्वल टू 1/13, तो इसका मतलब तीसरा वाला केस क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो पहला और दूसरा डिपेंडेंट है, तीसरा वाला नॉट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पहला और दूसरा इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट है ये, और ये वाला नॉट इंडिपेंडेंट है, तो तीसरा वाला नॉट इंडिपेंडेंट आएगा, पहला और दूसरा इंडिपेंडेंट है, तीसरा वाला नॉट इंडिपेंडेंट, पहला और दूसरा नॉट, पहला और दूसरा इंडिपेंडेंट। 16 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इन अ हॉस्टल प्लीज रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक हॉस्टल में 60% स्टूडेंट हिंदी पेपर न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। बड़ा दिलचस्प सवाल है भाई, मतलब ये सवाल आपके 11th क्लास में भी गिवन था, यानी जो सवाल पूछा जा रहा है आपके 11th क्लास में भी गिवन था,
और बिल्कुल सेकंड एक्सरसाइज में ही था या थर्ड में था, मेरे ख्याल से थर्ड में था शायद वो। तो 16 देखो यहाँ पे, जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यानी इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% है। 60% का मतलब भाई 0.6 है, सिंपल सी बात। और जो यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनकी जो संख्या है वो 40% है, यानी 0.4 है। अब जो दोनों न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी भी और इंग्लिश भी, इंटरसेक्शन हो जाएगा बोथ का, मतलब दोनों दोनों पढ़ते हैं तो दोनों इंक्लूड हो गया ना, तो इंटरसेक्शन होता है, ये हो गया 20%, यानी कि 0.2। सवाल क्या है भाई, सवाल जो यहाँ पे पहला पूछा गया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि शी रीड्स नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश। भाई बड़ा सिंपल सा है, नाइदर हिंदी, ठीक है, नोर इंग्लिश। इसका मतलब PH कॉम्प्लीमेंट यूनियन E कॉम्प्लीमेंट, ऐसे हो गया ना भाई, नोर यानी 1-PH इंटरसेक्शन E, 1-PH इंटरसेक्शन E। नाइदर बोला है ना उन्होंने, तो नाइदर का मतलब पी एच यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, ये बताया था मैंने, ठीक है, तो यानी 1-PH यूनियन ई हो जाएगा। नाइदर और नॉर में आपको यूनियन निकालना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यानी पहले आप क्या निकालोगे, पी एच यूनियन ई निकाल लोगे, एच यूनियन ई, तो यानी पी एच प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा। पहले आप यूनियन निकालोगे फिर वन में से माइनस करोगे, तो पी एच का मतलब 0.6, PE का मतलब 0.4 माइनस 0.2, तो 0.6, 0.4, 1.0 यानी 0.8 आ गया। तो भाई प्रोबेबिलिटी नाइदर 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 H नॉर E की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1-0.8 हो जाएगी, यानी 0.2, यानी आप इसको लिख सकते हो 20%। ओके, तो ये पहले का आंसर आ गया। दूसरा देखो बच्चों सवाल, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखो अब यहाँ पे इन्होंने जो दूसरा सवाल है वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछ रखा है, इन्होंने इंडिपेंडेंट या मल्टीप्लिकेशन रूल पे नहीं पूछा है। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी पीई बाई एच पूछा है आपसे, तो पीई इंटरसेक्शन एच और अपॉन में पी एच हो जाएगा, है ना। ई इंटरसेक्शन एच कितना है हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एच 0.2 है, और पीएच हमारे पास कितना है 0.6 है, ये कितना आ गया पे हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ओके, ऐसे भाई सी सवाल है, इसका उल्टा पूछ रखा है, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो भाई अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ेगी, पीएच इंटरसेक्शन ई अपॉन में पीई कर दो, और पीएच इंटरसेक्शन ई जो हो जाएगा PH इंटरसेक्शन E, जो हमारे पास आ जाएगा भाई 0.2 है ये भी, ठीक है, और PE हमारे पास है 0.4, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो आप ये 16वां सवाल कुछ इस तरीके से, बड़ा अच्छा सवाल था ये भी। चलो लास्ट के दो सवाल है 17 और 18, MCQ है ये, ठीक है, MCQ वाला सवाल है ये। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई विल व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दो डाई को रोल किया जा रहा है और उसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ऑन ईच डाई। तो इवन नंबर मतलब क्या है, इवन प्राइम नंबर है। दो डाई को रोल कर दिया, एक पे इवन प्राइम नंबर क्या होता है, केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है, दो, इवन प्राइम नंबर में केवल दो आता है, दो इज ओनली द नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम नंबर। तो भाई दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक डाई को फेंकोगे तो दो आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, तो पहले डाई पे 1/6,
दूसरे टाइप पे भी दो आएगा तो 1/6, तो क्या आ जाएगा 1/36। तो भाई इसमें जो डी ऑप्शन दिख रहा है ना वो सही है, डी ऑप्शन बच्चों इसके अंदर सही है 1/36। यहां पे बोला गया है कि टू इवेंट्स हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी क्या यहां पे इंडिपेंडेंट है, और ए हमें दे रखा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी यहां पे ऑप्शन दे रखा है पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1-PA और 1-PB, ठीक है, और सी ऑप्शन में भाई दे रखा है PA इक्वल टू PB, ठीक है, और डी ऑप्शन हमें दे रखा है PA प्लस PB इक्वल टू 1। अगर A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है? देखो अगर A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो PA इंटरसेक्शन B का मतलब PAB होता है, यानी PA इंटू में PB होता है। अब पूछे इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, अब ऐसा तो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है भाई, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है और इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, तो दे तो कतई ना होने वाला, ठीक है भाई, ये ऑप्शन भी कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों कभी बराबर नहीं होते, और प्लस वन बराबर तो प्रोबेबिलिटी का रूल है कि टोटल सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज वन, ठीक है, तो ये नहीं बचा, बचा ये वाला केस बचा। तो भाई बिल्कुल यही केस है, आप देखो जरा पी ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वही है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू में पी बी कॉम्प्लीमेंट, और पी ए कॉम्प्लीमेंट को आप 1-PA लिख सकते हो और पी बी को आप लिख सकते हो 1-PB कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, तो भाई बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, कौन सा बी ऑप्शन इसका ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है भाई, सेकंड जो एक्सरसाइज है इज डन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेस थ्योरम कराऊंगा, उसमें हम एडिशन रूल पढ़ेंगे, अभी तो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल किया है, अब हम एडिशन रूल भी पढ़ेंगे और उसमें मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी की तरह कुछ ऐसी है, ठीक है, तो सम वाला हम पढ़ेंगे, एडिशन रूल क्या होता है। तो गाइस लगे रहो, तैयारी करते रहो, जोरदार तैयारी करते रहो, ठीक है, कुछ जा दो सोचो मत कि आपके पास बहुत, आपने कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं हो रहा है, जिन्होंने शुरुआत नहीं की है करी है वो अभी से शुरुआत कर दो, ठीक है, और लगे रहो, कुछ नहीं बिगड़ा है भाई, कुछ नहीं गया है, अभी भी आपके हाथ में और अभी भी समझ सकते हो, सब कुछ अचीव कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, ठीक है, बस लगे रहो, अपनी जड़ें मजबूत रखो और कन्फर्म रहो अपने आप में, ठीक है भाई मुझे ये करना है और आज इतना करना है, थोड़ा थोड़ा करो, ऐड करते रहो हल्का हल्का सा, देखना धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और आप रियली में बहुत अच्छा करोगे, फोड़ के आओगे एग्जाम। सो आज की क्लास यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरम 13.3 एक्सरसाइज, टाटा बाय।